जमीन में रहने वाले प्राणियों की तुलना में पानी में रहने वाले प्राणियों की त्वचा शरीर के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। मछली की त्वचा पर शल तथा शरीर पर तैरने की सहायता के लिए पर होते हैं। शरीर का आकार दोनों ओर संकरा होता है। श्वसन के लिए जगह गलफड़े होते हैं। पलके पारदर्शी होती है। इन प्राणियों के शरीर में हवा की थैली होती है। आपने देखा होगा मछली को श्वसन करने के लिए गलफड़े होते हैं, मनुष्य को फेफड़े होते हैं, लेकिन ये मछली जल में रहती है तो मछली अपने गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। उसी प्रकार मछली की ऊपरी त्वचा पर शल्क होते हैं। ये शल्क से चिपचिपा पदार्थ स्रावित होते रहता है, जिसके कारण पानी की जो बूंदे है यह इसके शरीर के ऊपर से फिसलते जाती है। अतः इन शल्कों के कारण पानी का संपर्क उसके शरीर से सीधा नहीं पड़ता। उसी प्रकार तैरने के लिए पर होते हैं, जिनकी सहायता से मछली पानी के भीतर तैरती रहती है। मछली अपने धारा रेखीय शरीर के कारण आसानी से पानी में तैर लेती है। यह अपने गिल से पानी में विलेय ऑक्सीजन को ले लेती मछली अपने धारा रेखीय शरीर के कारण आसानी से पानी में तैर लेती है। यह अपने गिल से पानी में विलेय ऑक्सीजन को ले लेती है। ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन यह अपने शरीर को किसी भी आकार का बना सकता है। ऑक्टोपस अपने शरीर का रंग आसपास के माहौल के अनुरूप कर लेता है, जिससे इसे छिपने में मदद मिलती है। अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए यह साई जैसा द्रव्य छोड़ता है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, जिसकी मदद से यह जमीन पर कूद लेता है। पिछले पैरों की उंगलियों के बीच झिल्ली होती है, जिनकी मदद से यह तैर लेता है। मेंढक अपनी चिपचिपी जीभ से शिकार पकड़ता है। मेंढक बदक आदि के पैर के उंगलियों के बीच पर्दे होने से वे चप्पू की तरह उपयोग करते हैं। बत्तख, जल मुर्गी जैसे पक्षियों के पंख और पर तेलियां होने के कारण पानी उन पर फिसल जाता है। पैरों की उंगलियों के पर्दे, नम व चिपचिपी त्वचा, त्रिकोणी सिर जैसे कारणों से मेंढक पानी में सरलता से तैरता है। पानी में रहने पर त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करता है, जबकि जमीन के ऊपर रहने पर फेफड़ों द्वारा। इसलिए मेंढक पानी और जमीन दोनों स्थानों पर रह सकता है। मेंढक की विशिष्टतापूर्ण पीठ उसे घास में छिपने के लिए सहायता करती है। कुछ अन्य प्राणियां के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। वनाच्छादित एवं घास वाले प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणियों में अनुकूल जंगली कुत्ता, लोमड़ी, शेर, सियर जैसे मांसाहारी प्राणियों के पैर मजबूत होते हैं और उनके नखर होते हैं। कुछ प्राणियों के नुकीले रदनक होते हैं। उन दांतों का वे किस कार्य के लिए उपयोग करते हैं? शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, जिससे उसकी आहट भक्षक को नहीं होती और वह सरलता से भक्ष्य को पकड़ लेता है।
मांसाहारी प्राणियों की आंख का स्थान उसके सिर के बाहरी और सामने होता है, इसलिए उन्हें दूरी पर स्थित भक्षण नजर आ सकता है। शाकाहारी प्राणियों की आंखों का स्थान कपाल के नीचे और बगल में होता है, उस कारण वे बहुत बड़ा परिवेश दिखाई देता है और शत्रु से बचने का अवसर प्राप्त होता है। शाकाहारी प्राणियों के पैर सकरे और तलवे होते हैं, इस प्रकार वे छलांग लगा कर तेज दौड़ पाते हैं। ऐसी प्राणियों को के हिलने वाले लंबे कान दूर से आने वाले आवाज़ों की आहट सुन सकते हैं। हिरण, सांबर आदि का रंग परिसर से मिलता जुलता होता है। वनस्पतियों के तने चबाकर खाने के लिए उनके दांत मजबूत होते हैं। मरुस्थल प्रदेशों में प्राणियों का अनुकूलन। मरुस्थल प्रदेशों में पानी का अत्यंत अभाव होता है। शरीर में पानी बनाए रखने के लिए वहाँ रहने वाले प्राणियों की त्वचा मोटी होती है, पैर लंबे और तलवे गद्दीदार एवं छोटे होते हैं। नाक की त्वचा की संरक्षण मोड़ होती है, पलकें लंबी और मोटी होती है। मरुस्थलीय प्रदेश के चूहे, सांप, मकड़ियाँ, गिरगिट जैसे प्राणी जमीन में गहरे बिल में रहते हैं। हिम प्रदेशों के प्राणियों में अनुकूलन। याक, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, पर्वतीय भेड़, रूपहली लोमड़ी, साइबेरियन हस्की, कुत्ता, हिम तेंदुआ, इन प्राणियों के और विषुवत भूतीय वनों के इसी जाति के प्राणियों के चित्रों का इंटरनेट से प्राप्त करके तुलना कीजिए। हिम प्रदेश में रहने वाले उपयुक्त सभी प्राणियों की त्वचा पर लंबे और घने बाल, सफ़ेद या रूखला रंग जैसा विशेषताएं है। इन विशेषताओं का उपयोग होता है। पक्षियों का शरीर दोनों तरफ से सुंदरकार होने के कारण उन्हें उड़ते समय हवा का अवरोध नहीं होता। शरीर पर पैरों का आवरण, आगे के पैर का पंखों में रूपांतर, खोखली हड्डियों से बने सिर के कारण पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित हुए हैं। कीटकों का शरीर भी सुंडाकार और हल्का होता है, पंखों की दो जोड़ियां और छह पतले पैर। ऐसी रचना के कारण कीटक हवा में चढ़ उड़ सकते हैं, उन्हें चलते हुए भी तुमने देखा ही होगा। चमगादड़, चमगादड़ के अगले पैरों के उंगलियों में पर्दे होने के कारण वह उड़ सकता है। सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन। सांप, केंचुआ कैसे रेंगते हैं यह आपने देखा होगा। रेंगते समय वे किन अंगों का उपयोग करते हैं, क्या उस हेतु कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं, इन परिवर्तनों को नोट कीजिए। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसी प्राणी अपनी पेशियों को विशिष्ट प्रकार से उपयोग करके रेंगते हैं, उसी के अनुसार उनकी त्वचा, पंजे और विशिष्ट रंग में अनुकूलन हो जाता है। जैसे छिपकली और लेह गोह के पंजे नाखून युक्त एवं पतले होते हैं और सांप की त्वचा शल्क वाली होती है। इस चित्र का निरीक्षण कीजिए। आप
इन चित्रों का भी आप निरीक्षण कीजिए। जलचर प्राणी, स्थलचर प्राणी, भोजन ग्रहण के लिए प्राणियों में अनुकूल, प्राणियों का शाकाहारी और मांसाहारी इन दो समूहों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके लिए विशेष परिवर्तन होते हैं। इस आधार पर प्राणियों के लिए भोजन ग्रहण करना आसान होता है। उसके बारे में अधिक जानकारी आगे के प्रकरण में देखेंगे। मेंढक, सांप, पक्षी, मच्छर, तितली प्राणी अपना भक्ष्य पकड़ते हैं और खाते हैं। उससे संबंधित अधिक जानकारी हम डिस्कवरी चैनल में भी देख सकते हैं। निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। तीक्ष्ण रदनक, विभिन्न रंगों के गिरगिट, टिड्डे आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं। वनस्पतियों पर, घास में या वृक्षों के तनों पर रहते हुए उनके शरीर का रंग उस स्थान के रंग से मिलता जुलता होता है। अधिवास के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, विशिष्ट परिवेश में जीवित रहना, प्रजनन द्वारा स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना, भोजन प्राप्त करना, शत्रु से स्वयं का रक्षण करना जैसे अनेक कारणों के लिए शरीर के अंगों व क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। हमारे हजारों वर्ष पूर्व के प्राणियों और वर्तमान समय के प्राणियों के शरीर में दिखाई देने वाला परिवर्तन परिस्थिति अनुसार होने वाला अनुकूलन ही है। इस विविधता का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। डार्विन का उत्क्रांति का सिद्धांत। चार्ल्स इस जीव वैज्ञानिक ने अनेक प्रकार के प्राणियों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करके यह सुझाव दिया कि पर्यावरण में जो सजीव जीवित रहने के लिए सर्वाधिक सक्षम होते हैं उनके जीवन की संभावना सर्वाधिक होती है। इसे ही जो सक्षम रहेगा वही जीवित रहेगा यह सिद्धांत कहते हैं। हमें इस डार्विन का पहल पहला सिद्धांत कहते हैं। अगर कोई सजीव इसे फायदेमंद साबित विशेषता लेकर जन्म लेता है और टिक पाता है तो उसकी अगली पीढ़ी में भी उसके समान बनती है। इसे ही डार्विन का दूसरा सिद्धांत तथा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। वनस्पति और प्राणियों का वर्गीकरण। हमारे आसपास की इस विविधपूर्ण सजीव के सजीवों का एक ही समय में अध्ययन करना तथा उन्हें बाद रखना हमारे वश की बात नहीं है। आज तक अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर वनस्पतियों तथा प्राणियों का वर्गीकरण किया है। उसके लिए वर्गीकरण पुस्तकम बनाया जाता है। उसकी शुरुआत प्राणी सृष्टि वनस्पति सृष्टि से होती है। सजीवों के गुणधर्म की मूलभूत समानताओं के आधार पर उनके मुख्य समूह तैयार होते हैं जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं।
है। कल्पना करो कि कक्षा में कबीर अथवा किरण नाम के चार विद्यार्थी है। कौन से कबीर या किरण की तुम बात कर रहे हो, यह स्पष्ट रूप से अन्य सभी विद्यार्थी समझ सके इसके इसलिए क्या करोगे? हम उसका पूरा नाम बताएंगे। वैसे मन नाम तथा उपनाम, इसे ही द्विनाम पद्धति कहते हैं। प्रत्येक सजीव को पहचानने के लिए द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता है। उसके अनुसार प्रत्येक सजीव को सुस्ती वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इस नाम में दो संज्ञाएं होती है। पहली संज्ञा वर्ण दर्शाती है तो दूसरी संज्ञा जाति दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय नामकरण संहिता के नियमानुसार सभी सजीवों को द्विनाम पद्धति वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। एक ही जाति के सभी सजीवों में इतनी समानता नहीं है कि उनमें रंग, ऊंचाई, पूंछ की लंबाई जैसे कुछ भेद होते हुए भी संकरण होता है और प्रजनन और वंश वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए विश्व की सभी बिल्लियां एक ही प्रजाति में होती है। उसी प्रकार प्राणियों में मुर्गी, गाय, कुत्ता आदि तथा वनस्पतियों में आम, मक्का और गेहूं। उनतीस अप्रैल वैश्विक मेंढक संरक्षण दिवस है। वन्य जीव कानून के अनुसार उन्हें मारने और हानि पहुंचाने पर रोक लगाई गई है। कुछ सजीव के दिए हैं और उनके वैज्ञानिक के नाम। कुत्ता कैनिस फैमिलैरिस, गाय कोस टाउरस, गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनिंस, जुआ सारेघम वल्गेर। कुछ उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी रेगिस्तान में स्थित प्राणी, अन्य समुद्र से प्राप्त होने वाली जलीय वनस्पति, धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।